हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके क्रिएशन। इस वीडियो में हम पॉच बनाना सीखेंगे। इस पॉच में बॉयज़ अपनी ट्रिमर्स, सेविंग क्रीम्स वगैरह इजीली कैरी कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल पॉच है, इसे हर जनरेशन के लोग यूज कर सकते हैं। सो, इसमें हम अपने पेंसिल, पेन, इरेजर, शॉर्पनर्स आदि बहुत ही ईजिली कैरी कर सकते हैं। और गर्ल्स इसमें अपना मेकअप कैरी कर सकती हैं। इसका जो प्लेस है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा है। आप इसमें अपने फाउंडेशन, प्राइमर, कंसीलर, कॉम्पैक्ट ईजिली रख सकते हो। तो चलिए सीखते हैं ये पॉच किस तरीके से बनाया जाता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक फैब्रिक लिया है जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है। ये देखिए फ्रेंड, ऊपर की साइड में मैंने लेस लगा लिया है। आप चाहो तो इसको लगा भी सकते हो या नहीं, ये ऑप्शनल था इसलिए मैंने दिखाया नहीं है वीडियो में, मैंने इसे बता दिया। यहाँ पर हमें एक चैन चाहिए होगी जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर होगी फ्रेंड्स, क्योंकि हमने जो अपने फैब्रिक की लंबाई ली है उसी के हिसाब से इसकी लंबाई होगी। और हम इस चैन को ऊपर और नीचे की साइड में लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चैन को आपको इस तरीके से उल्टा करके अपने फैब्रिक के ऊपर साइड में, फैब्रिक सीधा होना चाहिए, उसके ऊपर में रखना है। आप इसे अगर बिगिनर्स हो तो पिन की हेल्प से सिक्योर कर लो और इस तरीके से इसके ऊपर रख कर इसके ऊपर सिलाई करना है फ्रेंड। तो सबसे पहले हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो चलिए इसकी सिलाई कर लें फ्रेंड्स। मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगी कि इसे कैसे बनाना है ताकि ये आपके लिए यूज़फुल हो और आपको बहुत ही ईजिली समझ में आए और कोई प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स, चैन लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो इसीलिए मैं आपको बहुत स्लोली स्लोली समझा रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने चैन का पहला साइड इसके ऊपर लगा लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमें कुछ नहीं करना है। ये देखिए, पहले आप इसे कट करके निकाल लो और एक बार चेक कर लो कि चैन सही से लगा है या नहीं, क्योंकि बहुत बार हम जब ऊपर की साइड से निकालते हैं तो हमारा चैन नीचे की साइड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद ये देखिए, ये जो हमारा चैन का दूसरा वाला हिस्सा है और ये हमारे फैब्रिक का दूसरा हिस्सा, हमें चैन को सीधे में ही लगाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपको इसे इसके ऊपर रखना है इस तरीके से। ये देखिए, यह अपने आप सब सेट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि चैन का साइज़ आपके फैब्रिक के साइज़ के बराबर है तो ये इसके पूरे अकॉर्डिंग आएगा। आपको इसको ऊपर और नीचे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और ये ऊपर और नीचे होगा भी नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर बस आपको इसे सेट करना है और इसके ऊपर सिलाई कर लेनी है सेम जैसे हमने पहले की थी। तो चलिए इसके ऊपर भी हम फटाफट सिलाई लगा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स, योर सपोर्ट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस फ्रेंड्स, सो प्लीज कीप सपोर्टिंग। सो फ्रेंड्स, हमने अपने चैन को अपने फैब्रिक के ऊपर लगा लिया है। ये देखिए, इसे लगा लेने के बाद अब ये जो हमारा साइड वाला प्लेस है, ये वाला जो खुला प्लेस है और इधर साइड जो ये हमारा खुला प्लेस है, बस हमें इसे अच्छे पहले अच्छी तरीके से सेट कर लो। ठीक है, सेट कर लो। उसके बाद नॉर्मली इसके ऊपर आपको एक बार सिलाई करनी है इस साइड में और इस साइड में। बस फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर इतनी ही सिलाई करनी है और ये सिलाई करने के बाद हमारा पॉच रेडी हो जाएगा। इसे आप बहुत मिनटों में बना सकते हो। इसे बनाना हार्ड भी नहीं है और सिलाई भी ज़्यादा नहीं हो रही है। कोई भी बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकता है। अगर फ्रेंड्स आपको आपके पॉच का साइज़ थोड़ा बड़ा चाहिए तो जो हमने फैब्रिक की लंबाई ली थी 22 सेंटीमीटर, आप उसे 25 कर लो, 30 कर लो। इस तरीके से आपकी पॉच की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और ये इसका जो प्लेस है वो भी बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से इसे लंबा कर सकते हो। अगर आपको इसकी
चौड़ाई ज़्यादा चाहिए तो वो 25 सेंटीमीटर, आप उसको 28 या 30 कर लो, ये बड़ा हो जाएगा पॉच। तो इससे आप इसमें बहुत सारे सामान आसानी से कैरी कर सकते हो। बाकी आपको कुछ और चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, बस फैब्रिक की लेंथ और वेथ ये दोनों बढ़ा लो, बस आपका पॉच बड़ा हो जाएगा। तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग उसे बना सकते हो, मैंने आपको ये भी बता दिया। अगर आपको छोटी करनी है तो आप साइज़ को कम कर लो। तो फ्रेंड्स, आई होप ये सब इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों साइड में सिलाई लगा लिया है। आप चाहो तो आप डबल सिलाई भी लगा सकते हो ताकि फैब्रिक खुले ना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है, हमने डबल सिलाई की है। अपना फ्रेंड्स, चैन को अंदर की साइड से खोल लो इस तरीके से, और आप इसे सीधा कर लो। सीधा कर लेने के बाद ये रेडी हो जाएगा, रेडी टू यूज़। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे कॉर्नर, यहाँ पे दो ही कॉर्नर हैं, आप उनको अपने फिंगर की हेल्प से निकाल सकते हो, या फिर आप किसी भी नुकीली चीज़, ज़्यादा नुकीली नहीं होनी चाहिए वरना इसमें होल हो जाएगा, नॉर्मल सा हेल्प से आप निकाल सकते हो। और सारे कॉर्नर को अच्छे तरीके से कर लो, और चाहो तो इसके ऊपर एक बार आयरन कर लो, ये सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने अपने कॉर्नर्स को निकाल लिया है, और ये स्क्वायर शेप का है, थोड़ा सा लंबा है तो इसे स्क्वायर बोल सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका जो फ्रेंड, इसमें जो प्लेस है वो बहुत अच्छा है, बहुत काफ़ी बड़ा प्लेस है। ये देखिए, आप आसानी से अपने डेली वेयर, मेकअप, पेंसिल, और फिर आपको जो भी सामान इसके ऊपर जिस तरीके से आप यूज़ करना चाहो उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमारे।